दोस्तों, क्या आपको पता है 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह जी और इनके दो साथियों को सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। और फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह जी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब यह सूचना दी गई कि उनके फांसी का वक्त आ गया है, तब उन्होंने कहा था, रुकिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात तो कर ले। और फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गाना गा रहे थे, लेकिन फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां घी के बदले मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए, इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी मृत शरीर को अधजल टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित किया और सम्मान पूर्वक दाह संस्कार किया और भगत सिंह जी हमेशा के लिए अमर हो गए।